लोग शराब बेचते हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के आदमी हैं। तो यदि नीतीश कुमार ने प्रयास तो सही किया, गलत तो किया नहीं, अब उकार आए मड़बे ने किया है, झूठा बेईमान। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर के राजीव प्रताप रूढ़ी जो वहाँ के सांसद हैं वो अब इसको लोकसभा में इसको लेकर के वो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है सरकार ध्यान नहीं दे रही, बिहार सरकार पे उन्होंने सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग इस बात को लोकसभा में उठा रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात में जहरीली शराब से लोग की मौत नहीं होती है ड्राई स्टेट के बारे में, वहाँ भी लगभग 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है, किस मुँह से वो सवाल उठा रहे हैं, उनके ही गाड़ी से जब शराब बिक रही थी तो वो कहाँ थे और जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं उनके तमाम वीडियो के साथ। सर मैं तो बोल चुका हूँ राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस में शराब बिकता है छपड़े में, और जो लोग शराब बेचते हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं। 3 बार इससे पहले हो चुका है और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है, राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि गुजरात में ड्रा है कुछ नहीं होता है गुजरात, ये आप देखिए, आप जरा इसको आप जरा देख लीजिए, आप चिंता ना करिए कि ये कौन लोग हैं, ये शराब में 70 लोग 60 लोग कहाँ मरे हैं, आप हमको जरा सा उसका जवाब दे दी, ये कहाँ, ये गुजरात में नहीं मरे हैं 60 लोग, ये गुजरात में 60 लोग मरे हैं कि नहीं 1 महीना पहले शराब में, हाँ नहीं सब है तो पूरा भास्कर पूरा हम एक ठोका दिखा रहे हैं, अब उकार आए मड़बे ने किया है, झूठा बेईमान। शराब में नीति बनाने में प्रिंसिपल बनाने में बीजेपी नहीं था, शराब पीने में और बेचने में बीजेपी नहीं है, ठीक है एक सर्वदलीय बैठक बुला लेना चाहिए, समीक्षा तो होती रहती है लोकसभा विधानसभा में, कानून बनता है फिर समीक्षा भी होती है। तो यदि नीतीश कुमार ने प्रयास तो सही किया, गलत तो किया नहीं, लेकिन यदि लग रहा है कि चीजें हम हाथ से बाहर जा रही है, जहरीली शराब में कौन लोग हैं, शराब कौन बेचते हैं, इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी के एम्बुलेंस पे शराब बिकता था, इसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी 3-3 बार लोग मरे हैं गए छपड़ा, आज तक छपड़ा गए, हर चीजों में राजनीति। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि शराबबंदी से बिहार में समाज सुधार हो रहा है। भैया मैं एक बात बता दूं, मैं पर्सनली कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को एक बार सर्वदलीय बैठक और जन लेना चाहिए, जहां तक सुधार की बात है गांव में कुछ असर तो पड़ा है, लेकिन यूथ बर्बाद हो गया, ड्रग्स कोरेक्स स्मैक्स वैटनर और सोल्यूशन ये यूथ के हाथ में जा चुका है, यूथ की बर्बादी हुई है, गांव में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, लेकिन बिहार के आम आदमी के जेब से 6 गुना पैसा सारा पीने में जा रहे हैं, ये दिक्कत है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।